What's up everyone, hope you guys are doing absolutely well. Welcome back to the new episode of Shania Masroor, finally. And हम अभी शूट कर रहे हैं एक महीने बाद, लिटरली एक महीने बाद लास्ट व्लॉग हमने शूट किया था और अपलोड किया था 5th सितंबर को, और आज है 28 अक्टूबर, तो ऑलमोस्ट एक महीना हो गया. बट हम जब भी व्लॉग अपलोड करते हैं, दिस इज अस द नेक्स्ट डे. तो ये एक रीजन है जहाँ पे नहीं, ये तो एक फन फैक्ट है गाइज, बट ये चीज होती ही है. एक कपल है हम, और हम अगर दिख रहे हैं कहीं पर तो एक नज़र नाम की भी चीज़ होती है जो तुरंत इफेक्ट करती है, और बट हम अच्छी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं गाइज. बट इतना सीरियस बात नहीं करेंगे, इतना टाइम बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं. तो आज का व्लॉग गाइज ये है बेसिकली कि आज होम टूर हम दिखाएंगे आप लोगों को, घर का टूर बताएंगे कि घर का लोकेशन क्या है, घर का व्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग. सो पहले शनाया से मिलते हैं एक महीने बाद, आप देखो शनाया क्या कर रही है. मैं फिलहाल अभी घर नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि शनाया क्या कर रही है, फिर हम दोनों साथ में मिलकर दिखाएंगे. शनाया शूट कर रही है. ओके, गेट रेडी विद मी, से हाय. बहुत टाइम बाद. It's been very long time. Okay. Good to see. I guess मैं जो शनाया पे अपडेट थी, बस शनाया मसरूर पे नहीं. You know थोड़े बहुत छोटे मोटे नोक जोक ऑफ मिया बीबी. But ठीक है, हम मैं हैंडल कर लेता हूँ सारी चीजें. देख तो यही तो बात है गाइस. Instant example. शनाया भी गेट रेडी विद मी कर रही है. कुछ गेट रेडी विद मी नहीं कर रही हूं मैं. नहीं, गेट रेडी विद मी नहीं, गेट रेडी विद हर. सलवार सूट आया था ये वाला, तो इसका आउटफिट का मैं. तो जल्दी शनाया अपना शूट कर लो, फिर हम अपना इस घर ये घर दिखाएंगे प्यारा सा. नहीं, तुम साथ लोगों को ये तो बताओ कि ये रेंटेड है कि हो, और खुद वो सारी चीजें बताएंगे ना. तुम पहले अपना ये तो कर लो जल्दी. मैं ऐसे ही तैयार हो रही, तुम बोलो. ठीक है. तो गाइस बेसिकली अभी बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने पहले अंधेरी का घर लिया था, वो क्या घर को हो गया, आप लोग ने घर बेचा कि नहीं. गाइस ऑनेस्टली आप लोगों से क्यों छुपाना है, वो घर रेंटेड था, और अब हम जिस लोकेशन पर है वो भी घर रेंटेड है, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो. हम चाहते हैं कि हमारी सारी चीजें आप लोग के पास अपडेटेड हो, आप लोगों तक पहुंचे. तो ये भी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये घर वो भी रेंटेड है, और ऐसे ही अगर आप लोगों का प्यार बना रहेगा हमारे साथ में आने वाले टाइम पे एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, तो इंशाल्लाह एक दिन हम सारी चीज़ें लेंगे जो हमने ख्वाहिश की है, जो हमने सोचा है. तो बस ऐसे ही प्यार करते रहो. और सो गाइज, शिफ्टिंग तो हो गई है, और इस साल की शिफ्टिंग, ये घर की शिफ्टिंग को मैंने देखकर सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम कभी मैं शिफ्टिंग नहीं करूँगा, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत ही सरदर्द वाला सीन है. पूरा घर बिखरा पड़ा है, इवन अब भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सेट हो रही है. बट ये खुद देख लो आप, ये सोफा कम बेड बाहर पड़ा हुआ है, ये कालीन बाहर पड़ा हुआ है, मतलब सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी पड़ी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर घर पर नहीं रुक रहे हैं, लेकिन जब जब घर पर रुक रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम आपस में सेट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर रहेगी. बट थोड़ा सा घर अभी मेस्टअप है. मैं फिलहाल आप लोगों को हॉल दिखाता हूँ, हमारा जो लिविंग एरिया है घर का वो दिखा देता हूँ. ये हमारा हॉल है, ये हॉल में शनाया है, और ये जितना भी यहाँ पर देख रहे हो, जितना भी सेट हुआ है सब मैंने किया हो, और बहुत मेहनत लगती है भाई ये सब चीज़ें करने में यार, है ना. शनाया का तो इसके अंदर कोई कॉल ही नहीं है. क्या बोला तुमने? मैंने सेट किया हो ना यार ये सब, ये टीवी भी मैंने सेट नहीं किया हो, वायरिंग वायरिंग मैंने सेट नहीं किया. वायर लगाए हो तुमने? अरे तो सेट टीवी का सिर्फ वायर लगाए हो तो सेट करना हुआ ना बेबे यार. वो वायर, सिर्फ वायर लगाया हूँ, मतलब क्या चालू नहीं कराओगे? मैंने गाइज आप लोग ही बताओ, अभी वायरिंग वगैरह करूंगा तो वो सेट ही हुआ ना, कि मैंने पूरा सेट किया हूँ. ये कुछ घर पे काम नहीं किए, इस घर में पूरा मेरा ही इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें. माना कि फ्रेम इसका है. गाइस दिस इज द किचन. ये द शनाया स्पेस किचन, और सबसे फेवरेट चीज गाइस अब तक की मेरी जो है वो है ये बेडरूम. ये मेरा बेड है, ये पर्सनल बेड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा पर्सनल बेड है. जब जब हमारे झगड़े होते हैं मैं यहाँ के सो जाता हूँ, और शनाया का वो बेड है. मैं व्यू आप लोगों को आखिरी में दिखाऊंगा. तो ये एक बेडरूम है, और ये शनाया का वार्डरोब है. ये बनने के लिए बहुत टाइम लग गया था, एटलीस्ट एक हफ्ता लग गया था ये बनने के लिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो रही थी. एंड द लास्ट बेडरूम इज दिस. ये कुछ ऐसा है,
एंड मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। पहले व्यू देखना है तो सबसे बड़े वाले बालकनी में हमें जाना पड़ेगा, जो कि ये है। और हमने इसको थोड़ा सा ऐसा सेट किया है कि जहाँ पर हम सारे लोग बैठ कर थोड़ा बहुत इन्जॉय कर सकते हैं, कि यहाँ पर बाहर से आवाज़ बहुत आएगी। सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे सब बेड बिछा के हमने ऐसा कुछ थीम रखा है जस्ट फॉर नाउ। आने वाले टाइम पे हम उसको भी चेंज करेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को ये लोकेशन, ये जल्दी आना इरम, कम ऑन यार, आना यार, हमेशा तो इजी करती है यार ब्लॉग में। अरे यार टू हेल विथ योर फाउंडेशन। अच्छा ठीक है, सॉरी, ओके सॉरी, कम यार, इधर आओ, इधर आओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट योर मेकअप, ठीक है, मेरी रोजी रोटी है, बोलना भी नहीं। अभी तुम बीच में खाने की बात मत करो, मेरे को भूख लग जाएगी, मत करो कुछ भी मतलब। ओके तुम रोटी वोटी क्यों कर रहे हो, अभी भूख लग जाएगी ना मेरे को। मेरी रोजी रोटी कर रही है, हमारी भी रोजी रोटी है यार। आओ पहले बालकनी दिखाते, डोंट शेयर द लोकेशन, ठीक है। हाँ प्लीज डू नॉट से कि हम कहाँ पे है, किस लोकेशन पर। लेट देम गेस कि ये लोकेशन क्या है। और ये लोकेशन अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये क्या लोकेशन है। अगर आप लोग ने सही बोला, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं पिन कर दूंगा कमेंट को। ये बताओ कि रेगुलर वीडियो जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं कुछ नहीं, मैं इस बार कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इस बार कुछ बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा जब जब मैं बोलता हूँ तब तब ऐसा हो जाता है कि नेक्स्ट डे वीडियो नहीं कर पाते या नहीं शूट हो पाता। तो इस बार मुझे बोलना ही नहीं है गाइस, जो भी होगा आप लोगों को खुद पता चलेगा। मेरे ज़बान पे रहती हूँ गाइस, हर दो दिन बाद जिस चैनल पे वीडियो आता है। हो गया तुम्हारा बोल के, लोकेशन दिखा दूँ अभी मैं। तो गाइस लुक एट द लोकेशन, वो मतलब सामने कुछ नहीं, नो बिल्डिंग्स, नथिंग, जस्ट माउंटेन्स, ओनली माउंटेन्स। मतलब गाइस कैसे है कि सुबह उठते साथ किसी का मनुष्य चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा पहाड़। ये देखो ब्रश फेंक के मार रही है मेरे को। तुम कोई चीज फेंक के नहीं मार सकते बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस देखो ये असॉल्ट कर रही है। एक होता है लकी चैम, ये मेरा अनलकी चैम है, जब से ये आया ना मेरे खर्चे बढ़ गए। क्या क्या क्या, एक सेकंड क्या बोले, चैम, अनलकी चैम। ए गाइस एक मिनट इसको रिपीट करके आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये मेरा अनलकी चैम, मेरे खर्चे बढ़ गए। एक होता है लकी चैम, ये मेरा अनलकी चैम है। पेट ऑन द हाईवे, हाईवे टच, ये हाईवे है यहाँ पे। जिन जिन लोगों को पता है कौन सा हाईवे है, क्या लोकेशन है, मैं जूम करके बताता हूँ। तो गाइस कमेंट करके बताना कि ये कौन सा लोकेशन है। और यहाँ का जो नाइट व्यू है वो इतना सुपर्ब है और इतना रिलैक्सिंग पीसफुल है, जो कि मुझे वाकई में चाहिए था, मुझे और शनाया को एक पीस लोकेशन जो कि हम लोगों को मिल चुकी है। और इतना साइलेंस लगता है रात के टाइम पे, आप लोगों को रात के टाइम पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कैसा व्यू दिखता है, घर की लाइटनिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज सेट। क्योंकि लाइटनिंग हमें सबसे पहले चाहिए थी कि घर की लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, तो थोड़ा वाइब भी अच्छा रहेगा घर का। तो घर की लाइटनिंग वगैरह परफेक्ट है। अभी फिलहाल जिम का टाइम हो रहा है गाइज, तो मैं नीचे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या एमिनिटीज है, ईच एंड एवरीथिंग। शनाया इज गेटिंग रेडी, शनाया की फ्रेंड का बर्थडे है, मतलब मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन का बर्थडे, छोटी बहन नहीं, छोटी बहन, तुम सबसे छोटे हो, इज्जत किया करो, निकलो यहाँ से, चलो। सबसे पहले तुम बुड्ढे होने वाले हो, ठीक है, मैं फिर भी जवान रहूंगा। पैसा रहेगा तो कोई बुड्ढा नहीं होता, वो तो है, बट स्टिल ना इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूं। अरे मैं स्टिल ना, मैं इसके लिए भी मेहनत कर रही हूं, मैं एंड की बात कर रहा हूं, मैं एंड की बात कर रहा हूं, एंड छोड़ दो, जब तुम आखिरी सांसें ले रहोगे तभी मैं स्टार्ट रहूंगा। अरे यार इराम, गाइस बहुत से गिफ्ट्स है जो लोगों ने भेजा है, और जो हम लोग अभी घर पे सारी चीजें करने वाले, मतलब यहाँ वहाँ सेट करने वाले। मानसी जो हमारी वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उसने हमें ये भेजा है, आई थिंक ये द ड्रीम कैचर है। और एक तरह तो मानसी एंड साहिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और भी बहुत सारे गिफ्ट्स है जो लोगों ने भेजा है, अभी वो धीरे धीरे सारी चीजें सेट होगी। और तो गाइस आज समिन का बर्थडे है, तो शनाया जा रही है उसके साथ में फॉर सेलिब्रेशन एंड समथिंग, और हम जाएंगे जिम। यार आई एम गोइंग डीमार्ट, तो ओके डीमार्ट में सेलिब्रेट कर रहे हो,
अच्छा तुम घर तो दिखा दो, बाकी का दो बाथरूम बचे ना बाहर के कॉमन। तुम दिखाओ ना, मैं क्यों दिखाऊंगी, गाइस ऑनेस्टली बताना, जब आप लोग अगर नया घर देखते हो, चालू है ना, जब आप लोग नया घर देखते हो तो जो लड़के लोग रहते हैं वो क्या देखते हैं घर में, कि भाई हॉल कितना बड़ा है, ह्यूज है, विद बालकनी, कितने हाइट पे है। सुनाया आते साथ क्या लगी पता है, वॉश अपना किचन में घुस गई, बेसिन दिख रही है ना, सीधा बेसिन दिख रही है, स्टील का होना चाहिए बेसिन, चाहिए तो स्टील का होना चाहिए। नहीं किया तुमने, सही सही बताओ, नहीं किया, नहीं बेइज्जती की बात नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ। शनाया कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, चले जाओ यहाँ से, मार वाले बोल रहे हैं तुमको, मुक्का मुक्का क्यों ऐसा कर रहे हो यार। तो गाइस जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और नीचे चलते हैं, नीचे आप लोगों को बता दो, जब तक बाहर की लाइट नहीं है आप लोगों को नीचे बताता हूँ कि नीचे का व्यू क्या है, एमिनिटीज क्या क्या है, और मतलब बहुत अच्छा है, सुपर्ब है, आप लोगों को देखने में मजा आएगा। So let's go, नीचे चलते हैं और वर्कआउट भी करते हैं, let's go। So guys जिम के लिए नीचे उतर गए हैं और मैं आप लोगों को मेरे सबसे अजीज दोस्त, मेरे एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड भाई, जो भी मैं बुला सकूं, ओनर ऑफ मुजम्मिल सिगड़ी, द वन एंड ओनली सैफ भाई। सैफ भाई दिस इज आवर चैनल, प्लीज से हाय गाइस, दिस इज सैफ भाई, और अभी हम लोग जिम जा रहे हैं। नीचे आने के बाद का नीचे का व्यू देखो कैसा है, ये तो प्ले जोन है जो फिलहाल हम दोनों की कुछ काम का नहीं है, हम दोनों की फिलहाल कुछ काम का नहीं है, अभी हम डायरेक्टली जिम जाते हैं। और जिम में ना मतलब एक एक सेट नहीं बताएंगे, जिम का ब्लॉग किसी दिन लंबा सा ब्लॉग शूट करेंगे, लेकिन हम 5 सेकंड में आज जिम का ब्लॉग शूट करने वाले हैं फटाफट, मतलब कोई लेट्स गो। यहाँ पे बरिस्ता कैफे भी है, वो देखो सैलून भी है, जो कि मैं शनाया से एकदम छुपा रहा हूँ फिलहाल के लिए, वरना शनाया सीधा अंदर ही घुसी पड़ी है। हाय हमारे जो कान की चीज है वो यहाँ पे, ओके टेलर है यहाँ पे, ये अब तक का, अभी तक तो हमने, मैं तो इसके अंदर गया भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा तो यही है, सिर्फ और सिर्फ जिम किए, बाकी गेम्स वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब ये ब्लॉक के बाद शायद से हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर आके वॉशरूम, नहीं वॉशरूम, यू वांट टू गो वॉशरूम, गाइस वी आर एंटरिंग इनटू द जिम राइट नाउ, एंड दिस इज द होल वाइब। guys
ये है हमारा नाइट व्यू हमारे घर का। एक सेकंड, मैं तो जिम से जाके आने के बाद मैं मस्त सो गया। एक्चुअली मैं गई थी डीमार्ट, राशन खत्म हो गए थे। इस बीच में ये सारी चीजें हुई, शनाई डीमार्ट गई, डीमार्ट से सामान लेकर आई, सामान हो गया सेट, अब नाइट खाना भी बन चुका है। खाना भी बन चुका है और हमारे घर में दो मेहमान आए। चलो आप लोगों से मिलाते, वो कौन है? पहले नाइट व्यू दिखाते हैं, पहले नाइट व्यू दिखाते हैं हमारे घर का। ये है हमारा बालकनी जो रात में कुछ ऐसा दिखता है। अब जाके आने वाले टाइम पे बहुत ऐसा फॉग दिखने वाला है ये एरिया में। ये अब ठंडा पड़ गया है। टीवी के पीछे हमने लाइट लगाया है, लैंप यहाँ पर, बीन बैग यहाँ पर, एज यूजुअल जैसा आपको डे में लगा था। ऐसा हॉरर सीन तो नहीं लग रहा वीडियो ना? एकदम। मैं खाना बताती हूँ, देखो मैंने खाना बनाया गाइस। ये देखो क्या बनाया, बताओ तो। सोयाबीन का पुलाव। मारे बीच बैठे हैं, हाय मानसी, व्हाट्स अप। तो घर फाइनली सेट होने के बाद तो अजीज मेहमान फाइनली अजीज मेहमान आया हमारे घर पर। अब तो सो लॉन्ग अजीज मेहमान, इतने खास। अरे वो अजीज मेहमान मतलब उर्दू वर्ड हो गया यार, हर चीज समझानी पड़ती है शनाया को। तो ये सुन के मुझे हैबत हो गाइस। ये था हमारा घर का होम टूर डे एंड नाइट में। नेक्स्ट व्लॉग आपको क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना, कि प्रैंक वीडियो चाहिए, कि मेरा वार्डरोब के अंदर क्या। वो इसको नहीं, वो मुझे बताना, वो मेरा काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। शनाया मसरू, शनाया मसरू, शनाया नहीं है, शनाया मसरू। ओके तो आप लोग बताना कि आपको वार्डरोब के अंदर मेरे कपड़े कैसे सेट किए, मैंने वो सब चाहिए। खाना क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, वो सब चाहिए। और टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज इस वीडियो में लाइक अच्छे से देना, व्यूज अच्छे से देना। हाँ, क्योंकि पता नहीं मसरूर अब कब, इसमें शनाया का वार्डरोब इन्वॉल्व है, इसके लिए अच्छे से लाइक देना। थोड़ा शो ऑफ कर दिया मैंने मेरे बेड का और कबर्ड का। हाँ, देखो हम गरीबों का वार्डरोब देखो, ये देखो हम गरीब। एक मिनट, यस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस गाइज, अगर आपको ये होम टूर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी बहुत टाइम बाद ये व्लॉग आने वाला है तो प्लीज, और दुआ करना कि हम जल्द से जल्द अपना खुद का घर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अब तक की जो भी सारी चीजें थी आप लोगों के साथ में कंफर्म होके मैंने सब कुछ बोला कि हम इसके पहले जो अंधेरी वाला फ्लैट था वो भी रेंटेड था, तो आप लोगों के सामने तक शुगर कोटिंग करके कोई मतलब नहीं है ना, सारी चीजें आप लोगों के सामने अपडेटेड है। तो अभी ये व्लॉग को यही एंड करते हैं, इट्स सैटरडे नाइट, थोड़ा एंजॉय करेंगे एंड देन अगले व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन लव यू एंड बाय बाय।